जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय मायापुर नवदीप धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी देवी की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो आज श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद का चौदहवां अध्याय इस अध्याय का नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन इसका श्लोक संख्या 34 के ऊपर चर्चा है पात्रम तत्र निरुक्तम वै कवि भी पात्र वित्तमयि हरि रे वै क उर्वीस यन्मयं वै चराचरम् पात्रं तत्र निरुक्तं वै कवि भी पात्र वित्तमयि हरि रे वै क उर्वीस यन्मयं वै चराचरम् पात्रं तत्र निरुक्तं वै कवि भी पात्र वित्तमयि हरि रे वै क उर्वीस
यन्मयं वै चराचरम्। पात्रं पत्रनिरुक्तं वै कविः पात्रवित्तं वै माता जी शब्दार्थ पात्रम, उचित व्यक्ति जिसे दान दिया जा सके। तू लेकिन, अत्र इस संसार में, निरुक्तम निश्चित, वै निसंदेह कभी भी विद्वानों द्वारा पात्र वित्तमय दान के सुयोग्य पात्र को ढूंढ निकालने में दक्ष। हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एव निसंदेह एक एकमात्र उर्वी ईसा हे पृथ्वी के राजा, यत्मयम जिन पर हर वस्तु टिकी है, वही जिनसे हर वस्तु उत्पन्न है, चर अचरम इस ब्रह्मांड के चर या अचर प्राणी। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पृथ्वीपति, पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने यह तय किया है कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु अर्पित की जानी चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सभी चर या अचर जीव स्थिर हैं और समस्त वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती है। तात्पर्य, जब भी हम धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष विषयक कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश काल तथा पात्र के अनुसार करें। श्री नारद मुनि पूर्व में ही देश तथा काल का वर्णन कर चुके हैं। काल का वर्णन अयने विषवे कुर्याद व्यति पाते दिनक क्षय से प्रारंभ होने वाले श्लोक 20 से 24वें श्लोक तक हुआ है। दान देने या श्राद्ध करने का वर्णन सरांसी पुष्करादिनी क्षेत्रान अरहाश्रितान न्युत से प्रारंभ होता है, जो श्लोक 30 से 33 तक चलता है। और अब इस श्लोक में इसका वर्णन है कि किसे सब कुछ अर्पित किया जाना चाहिए। हरि रे वैक उर्वीस जन्मयम वै चराचरम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबके मूल हैं, अतएव वे सर्वोत्तम पात्र हैं जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 5वां अध्याय श्लोक संख्या 29 में कहा गया है,
भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहिदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। यदि कोई वास्तविक शांति तथा समृद्धि को भोगना चाहता है तो उसे भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वे ही वास्तविक भोक्ता, मित्र तथा स्वामी हैं। इसीलिए कहा गया है श्रीमद् भागवतम के 4वें स्कंद के अध्याय 31 के श्लोक संख्या 14 में, यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणम अच्युत्या। श्री भगवान अच्युत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबको प्रसन्न कर सकता है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचकर उसके शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को पानी दिया जा सकता है, या उदर को भोजन प्रदान करके शरीर के समस्त इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है। इसलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिले। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय का नाम है आदर्श पारिवारिक जीवन। तो विशेष रूप से श्रील नारद मुनि इस अध्याय में महाराज युधिष्ठिर को गृहस्थ धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास चार आश्रम हैं, और व्यक्ति के साइकोफिजिकल नेचर जिसको बोलते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग धर्म निर्धारित किए गए हैं। किसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार वैसा धर्म उसका निर्धारित किया जाता है। और भगवान गीता में ये भी कहते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार जो धर्म होता है उसी को स्वधर्म कहा गया है। स्वभाव के अनुरूप धर्म स्वीकार करना उसको स्वधर्म कहा गया है। तो अपने स्वधर्म को त्याग कर दूसरे के धर्म को हमें नहीं अपनाना चाहिए। अपने स्वधर्म, स्वभाव के अनुरूप धर्म में स्थित होकर भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे क्रमशः उसमें हम अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। किसी का स्वभाव होता है
ब्रह्मचारी जीवन, फिर गृहस्थ जीवन, तो चार वर्ण हैं और चार आश्रम भी हैं। उसी के अनुसार वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था दोनों, इसको वर्णाश्रम धर्म कहा गया है। वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं। चार वर्ण जो हैं वो सामाजिक, भौतिक समाज, सामाजिक प्रगति के लिए, और चार आश्रम आध्यात्मिक उन्नति के लिए। जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए चार आश्रम निर्धारित किए गए हैं। पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद 25 वर्ष तक गृहस्थ, उसके बाद फिर 25 वर्ष तक वानप्रस्थ, और फिर अंतिम 25 वर्षों में संन्यास। तो ये ब्राह्मण के लिए है। जो क्षत्रिय हैं उनके लिए केवल 3 आश्रम शास्त्रों में संस्तुत किए गए हैं। गृहस्थ जो क्षत्रिय हैं उनके लिए ब्रह्मचारी आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम और फिर वानप्रस्थ आश्रम। क्षत्रियों के लिए संन्यास आश्रम सामान्य तौर पे जो है वो संस्तुत नहीं किया गया है, और जो वैश्य हैं उनके लिए 2 आश्रम निर्धारित किए गए हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ आश्रम। उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम सामान्य तौर पर निर्धारित नहीं किया। कुछ एक्सेप्शनल केसेज, अपवाद होते हैं, हर आश्रम के लिए अपवाद हैं, है ना। भगवान की कृपा हो जाए तो कोई कहीं से भी कहीं भी जा सकता है, भक्तों की विशेष कृपा मिल जाए तो। पर ये जो ऑर्डर जो डिसाइड किया गया है, श्रेणियाँ, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है। और जो शूद्र होता है उसके लिए केवल 1 आश्रम है, जन्म से लेके मृत्यु तक केवल 1 ही आश्रम, गृहस्थ आश्रम। उसके लिए न ब्रह्मचारी, न वानप्रस्थ, न संन्यास। तो आज देखिए कलयुग में ज़्यादातर लोग जन्म से लेकर मृत्यु केवल 1 ही आश्रम में रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में, है ना। क्यों? और उनको अगर हम कह दिया जाए कि आप ब्रह्मचारी बनो या वानप्रस्थ में जाइए या संन्यास लीजिए, तो बहुत डर जाते हैं, है ना, बहुत डर जाते हैं। क्योंकि उनके लिए मतलब ऐसा सोच पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे होगा, कैसे रहेंगे हम, है ना। तो ज़्यादातर जनता होगी कलयुग में शूद्र, कलौ शूद्र ही संभवम, है ना। तो लोग बोलते हैं आप हमको शूद्र बोल रहे हैं, हमको नीचा बोलेंगे आप, हम शूद्र हैं, हमको ब्राह्मण बोलिए, हैं, हमको ब्राह्मण बोलिए, हमको मन कर रहा है कि आप हमको ब्राह्मण बोलिए, है ना। तो ब्राह्मण बोलेंगे तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। तैयार हैं तो बोलेंगे ब्राह्मण आपको, नहीं 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 संन्यास नहीं है, है ना। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे ट्रेन में, तो एक व्यक्ति सज्जन आए और बोले हमारे इस बेटे को थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, है ना, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। तो प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आए, शायद स्वामी जी ने ध्यान से सुना नहीं है, स्वामी जी मैंने थोड़ा बोला बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो प्रभुपाद जी बोले आप चाहते हैं कि मैं इस बच्चे को आशीर्वाद दूं? हाँ हाँ दीजिए ना। तो प्रभुपाद जी के सारे सन्यासी से सामने बैठे थे, बोले अगर मैं इसको आशीर्वाद दूंगा तो ये भी इनके बीच में आके बैठ जाएगा। बोलिए तैयार हैं आप, है ना। बोले नहीं सोच के बताता हूँ। फिर दोबारा नहीं आए आशीर्वाद लेने, है ना। क्योंकि बहुत कम लोगों को ये ज्ञान है कि वास्तविक आशीर्वाद क्या है, है ना। वास्तविक आशीर्वाद क्या है लोग समझते नहीं है, है ना। इस क्योंकि इस बात को समझने में कई जन्म लग जाते हैं, इतना इस बात को समझने में कई जन्म लग जाते हैं कि वास्तविक आशीर्वाद क्या है, है ना। लोग डरते हैं, बहुत डरते हैं,
ना। खासतौर पे हिंदू समाज में अगर कोई बच्चा ब्रह्मचारी बन जाता है किसी का, तो वहाँ तो मातम जैसे मनाया जाता है, कम से रहता है घर में, है जैसे कोई मर गया हो घर में, तो नहीं स्थिति ऐसे माहौल हो जाता है, वैसा माहौल हो जाता है। बहुत दुख की बात है, हमारा बच्चा ब्रह्मचारी बन गया है ना, नाक कट गई समाज में, है ना, नहीं है? तो इसको कहते हैं शूद्र समाज, है ना। जैसे कलयुग में अधिकतर लोग शूद्र हैं, क्यों? क्योंकि उनके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, देहात्म बुद्धि में पूरी तरह से डूबे रहते हैं। जनस्य मोहो अहम ममेति, हमेशा ये सोचते रहते कि ये मैं हूं और ये सब मेरा है, हैं? मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा 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 बेटा, मेरा मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरा 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 मेरा, है ना। जब तक ये है ना अहम ममेति, अहम और ममेति, इस अहम और मम इसके चक्र में जब तक जीव इस बोध में रहेगा, इस भावना में स्थित रहेगा, उसका आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकता है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है ना। इसलिए कलयुग में अधिकतर लोग इस चेतना में रहेंगे, और कलयुग तो इतना मतलब इतना विपरीत समय है कि बिल्कुल लोग उल्टा करेंगे, उल्टा सोचेंगे और उल्टा करेंगे, विपरीत। कई बार लोग ये सोचते कलयुग में ऐसा क्यों है, क्योंकि कलयुग में कलयुग एक ऐसा समय है, एक ऐसा समय है कि इस युग में पृथ्वी पर ऐसे जीव जन्म लेते हैं जिनके किस्मत में बहुत कष्ट है ना। जो अपराधी बहुत क्राइम करते हैं उनको काला पानी की सजा दी जाती है, और जो जीव बहुत विभत्स कर्म करते हैं उनको कलयुग में जन्म दिया जाता है ना। इस कलयुग में क्यों जन्म दिया जाता है, कलयुग में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है कलयुग में। वैसे तो इस पूरे भौतिक संसार में कष्ट है, इसको दुखालय कहा गया है, लेकिन दुखालय में भी जैसे जेल में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, एक वीआईपी एरिया भी होता है जहाँ पे नेता लोग जाते हैं जब जेल में जाते हैं तो, है ना, उसमें टीवी उबी की व्यवस्था रहती है, लेकिन नाम के लिए वो जेल में है, बाकी सारी फैसिलिटी लेकिन वीआईपी एरिया है, है ना। तो अलग अलग वार्ड होते हैं जेल में, तो कुछ विभत्स जो अपराधी होते हैं उनको थर्ड बहुत है ना कठिन परिस्थितियों में रखा जाता है जेल में। तो वो उसी प्रकार से ऐसे जीव जो बहुत विभत्स कर्म किए रहते हैं उनको कलयुग में भेजा जाता है दंड देने के लिए, किस लिए, कष्ट देने के लिए, ताकि वो कष्ट झेलें, और कष्ट झेलने से ही व्यक्ति का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण होता है। लेकिन कष्ट कब होगा, अगर आपको कष्ट झेलना है तो कष्ट तभी होगा जब आपकी दिमाग उल्टा चलेगा, है ना। जब तक दिमाग उल्टा नहीं चलेगा तब तक कष्ट कैसे होगा, है कि नहीं। जैसे एक्सीडेंट कब होता है, जब व्यक्ति लेफ्ट राइट दिखाई देने लगे और राइट लेफ्ट दिखाई देने लगे। अगर रास्ता सही सही दिखाई देगा तो थोड़े ना एक्सीडेंट होगा, ऊपर का नीचे दिखेगा और नीचे का ऊपर, राइट में गाड़ी है दिख रहा है लेफ्ट में, तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। और राइट में गाड़ी है राइट में दिख रही तो आप बच जाओगे,
इसलिए कलयुग में लोग उल्टा देखते हैं, कहते हैं विनाश काले बुद्धि विपरीत। जब विनाश का समय आता है तो व्यक्ति का बुद्धि क्या हो जाता है, उल्टा चलने लगता है। उनको अच्छा बात बताओ तो क्या लगेगा, बुरा लगता है। उनको बोल दिया जाए कि माला करो तो बोलेंगे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, है ना। उनको बोलिए आप गीता लीजिए, बोलेंगे फ्री में दे रहे हैं क्या, है गीता उनको फ्री में चाहिए, है ना। अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो लेंगे, है और सिगरेट खरीद कर पिएंगे। भारत में 27 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं, है ना। हर आदमी एक दिन में 8 सिगरेट पीता है, एक सिगरेट 10 रुपए का है, तो हर आदमी 80 रुपए, 27 करोड़ लोग प्रतिदिन 80 रुपए सिगरेट पर खर्चा कर रहे हैं हर रोज। और उनको अगर कह दिया जाए कि 80 रुपए जो तुम सिगरेट पर लगा रहे हो गीता खरीद लो एक, बोले नहीं नहीं गीता से क्या मिलेगा, सिगरेट में बहुत मजा आ रहा है हमको, गीता से क्या मजा मिलेगा। और आंकड़े बताते हैं कि एक साल में भारत में 13 लाख लोग मरते हैं सिगरेट पीने से। कितना, 13 लाख लोग। कोरोना से 2 साल में भारत में 5 लाख लोग मरे। इतना चर्चा, इतना पाबंदी, इतना कुछ हुआ केवल 5 लाख लोगों के लिए। ड्रामा, इतना कुछ ड्रामा है कि नहीं, जबकि सिगरेट पीने से हर साल 13 लाख लोग मरते हैं भारत में, है ना। और उसके ऊपर हम थोड़ा ड्रामा करें तो लोग बोलते हैं आप लोग फनाटिक हैं, हैं? कलयुग में अच्छी चीज़ों को लोग, कलयुग के जो एजेंट हैं वो इस तरह से, क्योंकि पब्लिक को कष्ट देना है, पब्लिक की किस्मत में कष्ट है। अच्छी बात समझ में आ जाएगी तो कष्ट कैसे होगा, बच जाएगा फिर। इसलिए कलयुग के एजेंट जो हैं चप्पे चप्पे पर बैठे हुए हैं, आपके पॉकेट में हैं स्मार्टफोन के रूप में, है ना। चप्पे चप्पे पे उनका राज्य है, हर जगह बैठे हुए हैं, है ना। भक्त लोग भले चप्पे चप्पे पे ना हों प्रचार के लिए, लेकिन कलयुग हर जगह विद्यमान है। तभी तो आप देखो 2000 करोड़ रुपए लोग हर रोज भारत में सिगरेट पीने पे खर्च करते हैं। कितना, 2000 करोड़ रुपए, हर रोज की बात कर रहा हूँ, साल में 7 लाख करोड़ रुपए। और 40 करोड़ लोग शराब पीते हैं भारत में, और कुल 600 करोड़ लीटर शराब पीते हैं एक साल में भारत में लोग। 600 करोड़ लीटर लोगों को कष्ट देता है। कली कुकूर कदन यदि चावरे, श्री सचिनंदन श्री सचिनंदन श्री सचिनंदन गावरे। तो इसलिए कलयुग में बुद्धि भ्रष्ट, कलौ नष्ट दृशाम एसाम, कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी, समझ नहीं पाएंगे। जो गलत होगा उनको सही नजर आएगा, और उसको जाके ना आग को जाके ऐसे पकड़ेंगे। और अगर उनको कोई अच्छी बात समझाएगा ना, उसको है ना जान से मार देंगे, उसको दुश्मन समझते हैं। इसलिए जितने प्रचारक हुए हैं सबके ऊपर हमले होते हैं, कोई ऐसा प्रचारक नहीं जिसको मारा नहीं गया। श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे जीसस क्राइस्ट ने प्रयास किया, उनको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बताया, शुद्ध भक्ति कहाँ बता पाए, है ना। मिश्रित भक्ति में ही जान से मार दिया, शुद्ध भक्ति बताते तो क्या करते, है ना।
मिश्रित भक्ति बता रहे थे अभी कि भगवान से मांगो, जो भी मांगना है तो भगवान से मांगो, रोटी मांगना है तो भगवान से मांगो, है ना। उतने में वही मुश्किल हो गया सहनशील, क्या तू ऐसा करेगा है, भगवान के बारे में बताएगा, अभी बताते हैं, है ना। दुष्ट लोग का समाज है, हर प्रचारक को क्या होता है, कष्ट होता है कलयुग में, क्योंकि मूर्ख लोग समझ नहीं पाते। नते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, लोगों को पता नहीं कि उनका असली स्वार्थ किस में है। इसलिए ज़्यादातर लोग अभक्तों की तो बात छोड़ दीजिए, अभक्त तो बहुत दूर, वो तो मूर्ख हैं ही। भक्त बनने के बाद भी अगर किसी को कुछ गलत करा उसको समझा दीजिए, आपके पीछे पड़ जाएगा, गोली मार देगा आपको। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं, उनको समझा दीजिए ऐसे मत करो, ये आप कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपको कष्ट होगा, गुस्सा हो जाते हैं। इसलिए गुरु भी सोच समझ के बोलते हैं कि जो भी थोड़ा बहुत करे कहीं भाग ना जाए, ज़्यादा बोलेंगे तो कहीं, यहाँ तक कि भक्तों को मंगल आरती में आने के लिए बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है ना, कहीं जो भी थोड़ा बहुत कर रहा है कहीं छोड़ के भाग गया तो फिर वो भी नहीं करेगा, है ना। तो नॉन डिवोटी जो अभक्त है उनकी बात तो छोड़िए, है उनको नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, एक उनको तो बुद्धि भ्रष्ट है ही, लेकिन जो कृष्ण भक्ति में जुड़ जाते हैं उनकी भी स्थिति इतनी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव चप्पे चप्पे पर है। अब पहले जैसे ब्रह्मचारी आश्रम में पहले बोर्ड लगा रहा था कि ओनली रेसिडेंट ब्रह्मचारी अलाउड, अभी हमें एक और लाइन जोड़, विदाउट स्मार्टफोन, क्योंकि अगर स्मार्टफोन के साथ ब्रह्मचारी घुस गया तो स्मार्टफोन के साथ सब घुस गया अंदर। उस स्मार्टफोन में क्या नहीं है बताइए, उसमें सिनेमा है, उसमें हर चीज है। तो अब आप बोर्ड लगा के क्या करेंगे है, अंदर जाके किसी से बात कर सकता है वो अंदर माता जी कोई नहीं है, लेकिन फोन है, तो फोन है तो फोन से है ना एक कनेक्शन बनता है, ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आकाश में उड़ता है, और उधर से तो गार्ड को दिखाई नहीं देगा, टेंपल प्रेसिडेंट को दिखाई नहीं देगा, ब्रह्मचारी आश्रम के इंचार्ज को पता नहीं, उस तो सोच रहे हैं कि ब्रह्मचारी आश्रम में अकेले है ब्रह्मचारी, अंदर सारे ब्रह्मचारी हैं, लेकिन माया प्रविष्ट हो गई। तो हम देखते हैं कि अगर हम किसी को समझाएं कलयुग में, उसके भलाई के लिए भी अगर बताया जाए तो उस नहीं समझता है, मूर्खाणाम उपदेशात प्रकोपाय न शांत है, तो मूर्ख को उपदेश देने से क्या होता है, उसका क्रोध और बढ़ जाता है ना। ऐसा बताया गया है कि पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि एक बार बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी तो बंदर पानी में भींग रहे थे, और चिड़िया जो है वो अपने अपने घोंसले में बैठी थी, तो घोंसले में उनको बारिश नहीं लग रहा था, तो चिड़ियों को दया आई बंदरों के ऊपर, क्या है कंपैशन, प्रीचिंग स्पिरिट, चिड़ियों के अंदर दया आती है, किसके ऊपर, किसके ऊपर, बंदरों के ऊपर। तो सोचते हैं कि जाके चलो बारिश हो रही है थोड़ा ठीक है, हम लोग अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, थोड़ा संसार के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। तो बारिश में ही चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, जाती है बंदरों के पास, जाती है, बोलती है बंदर भैया, बंदर भैया। तो बंदर बोलते हैं गुस्सा में, क्या है, क्या बंदर भैया कर रही है, बताओ ना। ये बंदर के बोलने का भी स्टाइल वही होता है ना। तो चिड़िया बोली, वो आपके लिए, आपकी भलाई के लिए कुछ बताना चाहता है। तू क्या बताएगी हमको है, चल बता क्या बात है। वो हम लोग इतने छोटे छोटे चिड़िया हैं, अपने लिए घोंसला बना लेते हैं जैसे तैसे, आप लोग इतने हड्डे कट्टे बंदर हैं अपने लिए कुछ बना क्यों नहीं लेते।
बंदरों को बहुत गुस्सा आया, चिड़िया होके हमें सिखाएगी हैं, हमें सिखाती है तू, अभी बताते हैं। सारे बंदर पेड़ पर चढ़ के सारे घोंसले उजाड़ दिए, अपना तो कुछ किया नहीं कल्याण, घर तो आज तक नहीं बना पाए। आप देखिए वृंदावन कितने बंदर हैं, हट्टे कट्टे हैं ना, पेड़ तोड़ सकते हैं उछल उछल के, लेकिन बना नहीं पाएंगे अपने लिए कुछ। क्यों? मूर्खाणाम, मूर्खों को आप अच्छा भी बात बताओगे उसको पले नहीं पड़ता, उसके दिमाग में घुसेगा ही नहीं है। तो इसलिए कलयुग जो है इतना कठिन समय है, इतना कठिन समय है ना, कि सामान्य जनमानस की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ तक कि जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है भगवान की सेवा में, जिनका लक्ष्य ही हो गया क्या है ना, सब कुछ त्याग कर एक भाव से आते हैं कि मतलब मैं मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं, मैं कृष्ण का समर्पण करूँगा, अपना एक एक सांस कृष्ण की सेवा में दूंगा। लेकिन वो भी कलयुग के प्रभाव में आ जाते हैं। क्यों? स्वभाव, स्वभाव पीछा नहीं छोड़ता, जो हम स्वभाव लेकर आते हैं वो पीछा नहीं छोड़ता, हर जगह पहुंचता है कि नहीं। इसलिए स्वभाव की बात यहाँ बताई जा रही है, स्वभाव के अनुसार स्वधर्म आश्रम। इसलिए कलयुग में अधिकतर लोग गृहस्थ, गृहस्थ पूरा जीवन गृहस्थ रहना है। चैतन्य महाप्रभु ने कई अपने भक्तों को कहा कि नहीं गृहस्थ जीवन में रहो, गृहस्थ जीवन में रहो ना। कुर्म क्षेत्र में ब्राह्मण मिले थे, उन्होंने कहा कि संसार की दुखद तरंगे मुझे बहुत जला रही हैं, हे प्रभु मैं आपके साथ ही आना चाहता हूँ सब कुछ छोड़कर। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, जहाँ हो वहीं रहो, वहीं रहो, और वहीं पर रह के हरिनाम लो और गीता भागवत का प्रचार करो। कोई जगह जब बदलने की जरूरत नहीं, छोड़ने की जरूरत नहीं है। कलयुग में विशेष रूप से पांच चीज़ें वर्जित हैं, उसमें एक आश्रम सन्यास आश्रम भी वर्जित है। क्यों वर्जित है? इसलिए वर्जित है क्योंकि सन्यास के लिए एक स्वभाव होना चाहिए, सन्यास धर्म के लिए स्वभाव एक होना चाहिए, वो स्वभाव बहुत कम लोगों के अंदर होगा, करीब बिरले ऐसे है ना, गिने चुने ऐसे लोगों के अंदर होगा स्वभाव। तो इसलिए सन्यास आश्रम को वर्जित कर दिया गया। इसलिए जो सन्यास आश्रम में जाते हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। सन्यासी और ब्रह्मचारी आश्रम को तो इस्कॉन में सन्यासी के लाइक बराबर ही माना जाता है कि नहीं। यहाँ पे कई सारे ब्रह्मचारी भक्त बैठे हैं, बोला जाता है कि ब्रह्मचारी बनो, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि कभी शादी नहीं करने का है ना। तो एक तरह से ब्रह्मचारी आश्रम तो मतलब आप विवाह कर सकते हो, गृहस्थ में जा सकते हो, एक ऑप्शन रहता है। लेकिन इस्कॉन में ब्रह्मचारी आश्रम मतलब क्या कि ऑलमोस्ट लाइक सन्यासी, एक्सपेक्टेशन ही होता है कि लाल कपड़ा में तो चेंज नहीं करेगा है ना, चेंज किया तो लोग गाली देंगे, देखो देख देख के हंसेंगे, ये देखो है चेंज कर लिए ये है ना। तो माइंड में मान के चलते कि लाल में है मतलब अब लाल में ही रहेगा है ना, ऐसे। तो एक तरह से ये सन्यासी की तरह तो जो ब्रह्मचारी जीवन में है, जो सन्यासी जीवन में है और कलयुग में है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है ना, बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी है, तुरंत दुर्घटना, और घटी क्या, घट रही है। इतने सारे लोग है ना भ्रष्ट हो रहे हैं, पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, कैसे? क्योंकि स्वभाव, हमारा स्वभाव अनुकूल नहीं, हम कलयुग के जीव हैं। इसलिए अगर हम गुरु गौरांग के आदेश के अनुसार बहुत कड़ाई से पालन नहीं करेंगे आदेशों को, तो ज़्यादा चांस है कि हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे है ना, पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए गृहस्थ जीवन
है ना। शूद्र के लिए क्या बताया गया है? गृहस्थ जीवन, उसको न ब्रह्मचारी है। इसलिए पिछले युगों में अगर शूद्र ब्रह्मचारी बनना भी चाहे तो उसको मना किया, नहीं तुम्हारा स्वभाव नहीं है, मत बनो। स्वभाव है मत बनो, एक बनेगा तो क्या होगा? भ्रष्ट हो जाएगा, व्यभिचार में लिप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं, कई जगह श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट गुरु के मार्गदर्शन में उसकी रिजिड स्ट्रांग ट्रेनिंग नहीं होती है, प्रशिक्षण बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, तो ज़्यादा चांस है कि वो व्यभिचार में लिप्त हो जाएगा। क्योंकि देहात्म बुद्धि इतनी प्रबल है। तो चार आश्रम हैं, गृहस्थ आश्रम के धर्म के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, और विशेष रूप से इस श्लोक में देश काल पात्र तीन चीज़ों की चर्चा प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तात्पर्य में कि देश काल और पात्र के अनुसार गृहस्थ को क्या करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए या जो भी संस्कार करने चाहिए या जो साधना करनी चाहिए वो देश काल पात्र के अनुसार करना चाहिए। देश का मतलब स्थान चुनना चाहिए, काल का मतलब सही समय चुनना चाहिए, और पात्र का मतलब उपयुक्त व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसको अर्पण करने। जैसे यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया कि दान देने की बात आ रही है, किसकी दान देने, दान किसको देना चाहिए, पात्रम। तो नारद जी बता रहे हैं कि कह रहे हैं कि पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने तय किया है। नारद जी ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे ओपिनियन से, मेरे ख्याल से दान जो है वो केवल भगवान को देना चाहिए, ऐसे ही बोल सकते थे नारद जी, बोल सकते थे ना, मेरे ख्याल से। लेकिन नारद जी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कभी भी पात्र वित्तमयी, कभी भी मतलब विद्वान एक्सपर्ट, जो पटु मतलब इंग्लिश में बोलते एक्सपर्ट हैं, और विद्वान मतलब नॉलेजेबल, पटु और विद्वान अध्येताओं ने यह सुनिश्चित किया है। पूर्ववर्ती आचार्यों की बात बता रहे हैं, क्या सुनिश्चित किया है कि दान किसको देना चाहिए, किसको देना चाहिए बताइए, भगवान को देना चाहिए। भगवान गीता में कह रहे हैं, यद जोश यदस नास यद करोशी दास यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्व मदर्पण। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम जो भी दान देते हो किसको देना है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को देना है। तो बोलेंगे ठीक है तो ऑल्टर खोल दीजिए, सीधे हम डाके कृष्ण बलराम के हाथ में पकड़ाएंगे क्या है, कहाँ डालेंगे, हुंडी में, तो हुंडी में डालेंगे तो उससे कोई गायब कर दे बीच से। तो इसलिए बहुत जिम्मेदारी है कि जो दान एक तो देने वाला है एक लेने वाला होता है। देखिए भगवान तो लेते नहीं है डायरेक्ट, कौन लेता है, भगवान के बिहाफ पे उनके प्रतिनिधि लेते हैं, लेते हैं ना। और कई बार बीच से गायब भी कर देते हैं, गायब भी कर देते हैं, क्योंकि मनी स्वीटर देन हनी। बातें बहुत बड़ी बड़ी गोपी भाव की करेंगे, गोपी भाव प्राप्त करना है ना। एक बता रहे थे कि व्यक्ति भागवत कथा कर रहे थे तो पूरा एकदम भागवत में यही बताया उन्होंने कि मतलब संसार में कुछ नहीं है, सब माया है, सब त्याग देना चाहिए, है ना, कुछ नहीं है ना, सब एक दिन नष्ट हो जाएगा, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, है ना। तो सारे जितने सुन रहे थे सब बड़े विरक्त हो गए और उनके अंदर वैराग्य आ गया। फिर कथा ख़त्म हुई तो बोले अब बता कितना में बात तय हुआ था बताओ। बोला कि महात्मा जी हम तो बोले थे 3 लाख में कथा हो जाएगी। बोले 3 लाख में कहाँ से कथा हो जाएगी,
हम इतने प्रसिद्ध कथाकार हैं, 10 लाख से कम में थोड़ी बात होती है, 10 लाख लाओ। तो शिष्य बोले, गुरु जी आप तो बताए क्या लेकर आए हैं, क्या लेके जाओगे? कुछ साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाए। ऐसे कथाकारों से भरा हुआ है समाज, है ना? इसलिए इतनी कथाएं हो रही है, लेकिन कहाँ पे हृदय परिवर्तन कहाँ हो रहा है? चलो प्रभुपाद जी ने हृदय परिवर्तन किया ना?